हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ निकजिक। आज हम बात करने वाले हैं ऑटोमेटिक गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले सीएनजी किट के बारे में। सीएनजी जो कि ग्रीन फ्यूल है, फ्यूल एफिशिएंसी और लो पोल्यूशन के लिए जाना जाता है, उसकी डिमांड धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। और मुझे अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, लो सीसी वाली गाड़ियों में लोग सीएनजी लगवाना चाहते हैं तो कौन कौन सी गाड़ी में लगवा सकते हैं, लगवाएं या ना लगवाएं, कहां से लगवाएं, कितने का लगवाएं, इस तरह के क्वेश्चंस काफी आते हैं। बट एक कॉमन क्वेश्चन है जिसके बारे में अच्छी तरह से लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि आजकल ऑटोमेटिक गाड़ियां भी बढ़ रही हैं। तो ऑटोमेटिक गाड़ी में आपको सीएनजी लगवाना चाहिए या नहीं, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है, खास करके जब आप 1000 से 1500 सीसी की गाड़ी की बात करें जिसमें आपकी हैचबैक, सेडान्स, क्रॉसओवर्स, मिनी एसयूवीज वगैरह आती हैं, उनमें भी कुछ लोग लगाना चाहते हैं सीएनजी, क्योंकि माइलेज बढ़ाने की भी बहुत लोगों की इच्छा है, क्योंकि अभी पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, एंड देन पोल्यूशन का सॉल्यूशन भी बहुत लोग चाहते हैं। तो जब तक इलेक्ट्रिक कार्स अफोर्डेबल नहीं हो जाती तब तक सीएनजी किट पर भी आप रिलाय करना चाहते हो अगर, तो ये वीडियो आप ही के लिए है और इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। ये ग्रीन फ्यूल होता है और वो चीज आप एक सिलेंडर के थ्रू अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करवा सकते हो, एक किट के थ्रू। और इस सीएनजी किट को इंस्टॉल करने के लिए बहुत अच्छे प्रोफेशनल गैराज में आपको जाना होता है। जनरली ये हर शहर में अवेलेबल होता है, तो आप इसको कभी भी कहीं से भी लगवा सकते हो और इसे रिफिल सेंटर्स भी होते हैं। और सीएनजी में आपको माइलेज वगैरह भी बहुत अच्छा मिल जाता है। छोटी गाड़ियों में इसको इंस्टॉल करने के टाइम पर आपको हमेशा बूट स्पेस के बारे में ध्यान रखना पड़ता है कि आपका बूट स्पेस बहुत ज्यादा उसमें यूटिलाइज हो जाता है। तो सीएनजी किट आप उस हिसाब से लगवाओ कि आपको सिर्फ सिटी में घूमना है, गाड़ी में लगेज आपको ज्यादा कैरी नहीं करना है। अब सीएनजी के प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं, पर सबसे पहले बात करेंगे सिर्फ प्रोज की। तो सबसे पहला ऑब्वियस पॉइंट तो है उसका रिड्यूस पोल्यूशन, यानी कि जो एमिशंस होते हैं सीएनजी के वो आपके पेट्रोल और डीजल से तो बहुत कम होते हैं, नहीं के बराबर, जिसकी वजह से पोल्यूशन में बहुत कम इम्पैक्ट पड़ता है और आप एक बहुत अच्छा एनवायरमेंटल कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हो। चाहे आपकी गाड़ी मैनुअल हो या पेट्रोल हो, आपका एमिशन तो कम होगा ही। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी बढ़िया होता है सीएनजी का एमिशन, सीएनजी एमिशन थोड़ा सा ज्यादा तो होता ही है इलेक्ट्रिक व्हीकल से कंपैरिजन नहीं, बट एटलीस्ट पेट्रोल और डीजल से तो अच्छा ही होता है। इसके बाद सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है इसका लो रनिंग कॉस्ट। सीएनजी बहुत सस्ता भी पड़ता है, एक बार इंस्टॉलेशन करवाने के लिए 30-40 हज़ार रुपए लग जाते हैं, बट उसके बाद में जो आपकी रनिंग कॉस्ट होती है वो पेट्रोल से बहुत कम होती है, अक्सर 4-5 गुना फर्क पड़ जाता है दोनों के कॉस्टिंग्स में। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे ना, तो 4-5 साल में आपकी गाड़ी की कीमत वसूल के दे देगा आपको सीएनजी किट, इतना कम खर्चा हो जाता है सीएनजी की वजह से आपका। अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल भी चल रहा है और सीएनजी भी चल रहा है और मोस्ट ऑफ द टाइम आप सिटी में घूम रहे हो, तो पेट्रोल आप बार बार रिफिल नहीं करवाओगे, आप सीएनजी बार बार रिफिल करवाओगे, आपको बहुत कम पड़ेगा कॉस्ट। तीसरा पॉइंट है इंक्रीज्ड ऑयल लाइफ। जो आपका इंजन ऑयल होता है वो भी ज्यादा बर्न नहीं होता है, इंजन पर ज्यादा लोड नहीं पड़ रहा होता है, ज्यादा हीटिंग नहीं हो रही होती, तो लुब्रिकेशन का भी ज्यादा काम नहीं पड़ता है एज सच। इसकी वजह से जो आपका इंजन ऑयल है वो बहुत ज्यादा जल्दी काला नहीं पड़ता है, इसलिए उसकी रनिंग लाइफ बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। तो आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा किलोमीटर चल पाते हो इंजन ऑयल को बदले बिना, कंपेयर टू पेट्रोल ओनली यूजेज। वैसे इंजन ऑयल के अलावा आपका स्पार्क प्लग भी कम इफेक्ट होता है सीएनजी के साथ यूज होने की वजह से, तो आपके स्पार्क प्लग को भी रिप्लेस करने का टाइम आपका बहुत देर बाद आएगा अगर आप सीएनजी पे यूज कर रहे हो अपनी गाड़ी। तो चौथा पॉइंट है ड्यूल फ्यूल अवेलेबिलिटी। ये तो ऑब्वियस है, सिंपल है। ड्यूल फ्यूल अवेलेबिलिटी क्या होती है कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल भी है, जो कि आपने गाड़ी खरीदी है उसके बाद में आपने लगभग 2-3 हज़ार किलोमीटर चलवा लिया, उसके बाद में आपने सीएनजी किट डलवा लिया, तो उसके बाद में आप पेट्रोल थोड़ा सा रखोगे टैंक में और सीएनजी भी रखोगे, पूरा टाइम तो आप सीएनजी चला लोगे। लेकिन अगर कहीं कभी भी आपको सीएनजी कम होता हुआ नजर आया, तो आप कभी भी अपनी गाड़ी को पेट्रोल पर स्विच कर सकते हो। तो सीएनजी स्पेसिफिक गाड़ी नहीं है आपकी, सीएनजी के साथ पेट्रोल है, तो ड्यूल फ्यूल ऑप्शन आपके पास होते हैं, इसलिए आपको कभी भी कहीं पर भी फंसना नहीं पड़ेगा, आपके पास दोनों ऑप्शन रहेंगे, आप कभी ट्रैवल भी कर रहे हो सकते हो, पेट्रोल आपके पास हर जगह अवेलेबल होता है, ये एक चीज अच्छा बेनिफिट है। और अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल भी है और सीएनजी भी, और अगर आपका पेट्रोल पहले खत्म हो रहा है तो सीएनजी आपको एक्स्ट्रा किलोमीटर्स पर ले जा लेगा, ताकि आपको पेट्रोल रिफिल करवाने के लिए भी टाइम मिल जाए। तो दोनों फ्यूल होना कभी भी फायदेमंद ही है। अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट की। तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट तो है कि एक ऑटोमेटिक गाड़ी में अगर आप देखोगे सीएनजी की वजह से आपकी पावर लॉस हो जाती है। वैसे तो ऑटोमेटिक गाड़ियों में जो गियर रेशियोज होते हैं वो मैनुअल के कंपैरिजन में थोड़े से कम पावरफुल लगते ही हैं बाय डिफॉल्ट, उनके गियर रेशियोज जो है वो फ्यूल एफिशिएंसी पर फोकस रखे जाने की वजह से उतना अच्छा थ्रॉटल रिस्पॉन्स नहीं देते, उनकी टॉर्क मैपिंग वैसी बनी होती है। तो अगर उसके ऊपर से आपने सीएनजी लगा दिया तो सीएनजी तो ऑलरेडी फ्यूल एफिशिएंसी पर फोकस होता है, इसलिए वो और आपका पावर लॉस लेकर के आ जाता है हर एक गियर शिफ्टिंग के वक्त में। तो अगर आपकी जैसे गाड़ी 6 स्पीड या 7 स्पीड वाली है, डीसीटी वाली है, या फिर हो सकता है आपकी गाड़ी एएमटी वाली हो, तो आपको डेफिनेटली फील होने लग जाएगा कि आपको पावर उतना अच्छा नहीं मिल पा रहा है सीएनजी में, क्योंकि थ्रॉटल रिस्पांस पेट्रोल के कंपैरिजन में
सीएनजी का उतना अच्छा नहीं होता। तो अगर आप पावर रिस्पॉन्स के लवर हैं तो डेफिनेटली आपको सीएनजी में मजा तो नहीं आ पाएगा, लेकिन अगर आप माइलेज के लवर हैं और अगर आपको फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो अच्छी रखना पसंद है, आपको पैसे बचाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो सीएनजी आपका बेस्ट फ्रेंड बनेगा। दूसरा नेगेटिव पॉइंट है लैग इन गियर शिफ्ट। मतलब जब आप गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे होते हो और आप गाड़ी की स्पीड लगातार बढ़ा रहे होते हो तो गियर शिफ्टिंग जो है जिस गियर की जो स्पीड ऑलरेडी प्री डिसाइडेड थी उसके हिसाब से वो नहीं हो पाएगा, थोड़ा बहुत आपको लैग महसूस होगा जिसकी वजह से स्मूथनेस थोड़ी सी चली जाएगी आपकी ट्रांसमिशन की और आपकी ड्राइव में जो फन है और स्मूथनेस आती थी वो भी थोड़ी सी इम्पैक्ट हो जाएगी। इसका मेजर रीजन हो सकता है कि अगर आपका किट अच्छे से इंस्टॉल्ड नहीं है या फिर ट्यूनिंग प्रॉपरली नहीं हुई है ट्रांसमिशन वगैरह के साथ में, तो आपके ट्रांसमिशन को भी खतरा है, हो सकता है लॉन्ग टर्म में आपका ट्रांसमिशन बहुत बुरी तरह से खराब भी हो जाए। तो पहले तो ये प्रॉब्लम डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगी, और अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं चाहिए है या मिनिमल इफेक्ट के साथ चाहिए है तो जरूर आपको इंश्योर करना चाहिए कि आप अच्छी जगह से ही अपना सीएनजी किट इंस्टॉल करवाएं। अगला नेगेटिव पॉइंट है इफेक्ट ऑन ड्राइवेबिलिटी। वैसे जैसे मैंने अभी अभी बताया कि आपका पावर लॉस होगा, आपका गियर शिफ्टिंग का प्रॉब्लम होगा, तो आपकी ड्राइवेबिलिटी भी अच्छी खासी अफेक्ट होगी। आपका जो ड्राइविंग कॉन्फिडेंस होता है कब कितना एक्सेलरेट करेंगे और कब कितनी ब्रेकिंग करेंगे, तो अपशिफ्ट डाउनशिफ्ट भी होंगे, अकॉर्डिंगली आपकी गाड़ी का ड्राइव रिस्पॉन्स आएगा, तो ओवरऑल ड्राइव डायनेमिक्स में काफ़ी अच्छा असर होता है सीएनजी की वजह से। ओवरऑल आप कंक्लूजन की अगर बात करो तो सीएनजी लगाना कोई बुरी बात नहीं है, सीएनजी आप डेफिनेटली लगाओ और बहुत अच्छा होता है सीएनजी लगाना। इनफैक्ट मैं रेकमेंड भी करूंगा कि आप अपनी छोटी गाड़ी में सीएनजी का किट जरूर लगाओ, 1500 सीसी या 1600 सीसी तक की आपकी गाड़ी है तो भी आप सीएनजी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इतना ही ध्यान रखना जरूरी है कि सीएनजी लगवाने के टाइम पे किसी अच्छे ऑथोराइज सीएनजी वाले सेंटर से आप जाकर के किट लगवा लो, उसके बाद में उसको अच्छे से टेस्टिंग भी करवा लो उन्हीं लोगों से, फिर आप भी खुद अच्छे से टेस्टिंग कर लो और फिर सब कुछ अच्छे से हो रहा है तो उसको अच्छे से यूज़ करो और टाइम टू टाइम मेंटेन भी करो और उसकी रिफिलिंग भी अच्छे से ध्यान में रखते हुए करो, उसके बारे में अच्छा नॉलेज गेन कर लो फिर उसको यूज़ करो। अगर आप केयरलेसनेस रखोगे सीएनजी में तो याद रहे कि कंपनी ने आपकी गाड़ी को सीएनजी के लिए तैयार रखा नहीं था, तो जो भी चीज़ें आपकी गाड़ी में ख़राब होगी सीएनजी की वजह से उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर नाउ, आई होप आप लोगों को आज की मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और आपको ऐसे और भी वीडियोस अगर देखने की इच्छा होगी तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स चाहिए है। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सेफली गाड़ी ड्राइव करें।